नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के दिन में मैं चर्चा करने वाला हूं सत्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सत्या इंडस्ट्रीज, सत्या ग्रुप डॉट कॉम वेबसाइट का नाम है इसका पर्सनल, और ऐसे ये google.com वेबसाइट के ऊपर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो इसका कामकाज क्या है? तो सत्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत के सबसे बड़े लकड़ी और कृषि आधारित कागज संयंत्रों में से एक है, जो लकड़ी के चिप्स, लिवास, अपशिष्ट गेहूं के भूसे और सरकंडा आदि का उपयोग करके कागज का निर्माण करता है। कंपनी एक गुणवत्तापूर्ण लेखन मुद्रण कागज निर्माता बन गई है, मेसर्स सत्या पेपर मिल्स लिमिटेड। ऐसे इस कंपनी को स्थापित किया गया था 1980 में। सत्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब थोड़ा नज़र डालते हैं screener.in वेबसाइट का नाम है इस पे। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 113 रुपया चल रहा है अभी, और मार्केट कैप 1128 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक पी 6.33 का है, अभी भी लो ही में अभी चल रहा है इसका स्टॉक पी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। ROC 23.4% और ROE 25.4%, काफ़ी अच्छा ROC और ROE वाली कंपनी है ये। बुक वैल्यू इसका 93.20 रुपये है, जो कि करेंट प्राइस से नीचे बुक वैल्यू है, यानी कि अब करेंट प्राइस ऊपर में जा चुका है अपने बुक वैल्यू से। 52 वीक का हाई लो 155 रुपया और 100 रुपये, यानी कि एक साल का ऊपर नीचे जो देख रहे हैं तो 100 रुपया लो है और 155 रुपया हाई है। डिविडेंड यील्ड तो 0.89% का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें अब अपट्रेंड बन चुकी है। इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है मेरे आइडिया अनुसार, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। जैसा कि जून 2024 के अनुसार सेल्स 399 करोड़ का और एक्सपेंस 289 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 111 करोड़ का। अदर इनकम भी इसके पास में हुई है जो कि 4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर के अपेक्षा 50% डाउन गया है अदर इनकम। इंटरेस्ट पेड किया 7 करोड़ का और डिप्रिसिएशन 39 करोड़ का, यानी कि 39 करोड़ का। तो घिसावट इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट इसका सेल्स और एक्सपेंस दोनों ठीक ठाक है ऐसे स्टॉक के लिए। नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का, जिसकी वजह से EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर 5.11, यानी कि 5.11 रुपये। बैलेंस शीट के मामले में भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ का है और रिजर्व इसके पास में 922 करोड़ का हो चुका है और ब्रोइंग 319 करोड़ का, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और अदर लाइबिलिटीज 153 करोड़ का है। फिक्स एसेट बढ़ते क्रम में है, जो कि अब 855 करोड़ का हो चुका है। इन्वेस्टमेंट 0 हो चुका है। ये थोड़ा सा निगरानी में रखने वाली बात है कि इसका इन्वेस्टमेंट अब 0 हो चुका है, बट खास इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ क्वार्टर में था नहीं, सॉरी साल में। टोटल एसेट में भी काफ़ी अच्छा वृद्धि देखने को मिल रही है, जहां पर कि 276 करोड़ का टोटल एसेट था, अब वही बढ़ करके 1404 करोड़ का हो चुका है पिछले कुछ सालों में बढ़ते क्रम में अपना यह कदम बढ़ाया और 1404 करोड़ का टोटल एसेट बना चुका है ये कंपनी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में तो प्रमोटर के पास में 52.46% है जो कि काफ़ी अच्छा है। FIIs के पास में 1.82% है। FIIs अपना होल्डिंग को कम किया है जून 2024 की अपेक्षा, और पब्लिक के पास में 45.71% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो दिसंबर 2021 में 16,075 मात्र, इतना ही पोर्टफोलियो के अंडर में इसका शेयर था, जबकि अभी 55,820 पोर्टफोलियो के अंडर में इसका शेयर जा चुका है, यानी कि उतना पोर्टफोलियो द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस स्टॉक में शेयर के द्वारा। लास्ट अपडेट न्यूज जो कि 24 अक्टूबर 2024 का ही है, अपडेट ऑन बोर्ड मीटिंग। तो ये रहा अपडेट न्यूज जो कि 24/10/2024 का ही है, उसके बाद का कोई भी अपडेट न्यूज नहीं है इस स्टॉक में, तो देखने वाली बात है। तो पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि 13 नवंबर को इसका बोर्ड मीटिंग होने वाली है और किस किस विषय पर मीटिंग हो सकती है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो मुख्य पॉइंट है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, 30 सितंबर 2024 को जो क्वार्टर इंडेड हुआ है उसका रिजल्ट, स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, और दूसरा है डिविडेंड से संबंधित, तीसरा है अंतरिम डिविडेंड, और चौथा है जो कि कब तक इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया है। तो 9 AM ऑन 16th November 2024 किसके अनुसार, तो सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार। अब एक झलक BSEIndia.com यानी कि BSE एक्सचेंज पे, तो लास्ट 1 नवंबर 2024 का 7:20 संध्या के टाइम का अपडेट किया गया है, जो कि इसका शेयर प्राइस 112.65 रुपया 3.40 रुपये ऊपर की तरफ चढ़ा है। और इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है BSE एक्सचेंज पे तो 85.56% है, काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है इस स्टॉक में। क्वांटिटी ट्रेडेड हुई 33,203 और डिलीवरी में उठाया गया 28,410, और इसका अंतरिम डिविडेंड का एक्सपायरी डेट है 21/11/2024 का, और अंतरिम डिविडेंड अभी तक फिक्स नहीं हुआ है जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब एक नज़र डालते हैं NSE एक्सचेंज पे, तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम है NSEIndia.com। यहाँ पर इस शेयर का शेयर प्राइस 112.90 रुपये परसेंटेज है 81.15% का, काफ़ी अच्छा है, और क्वांटिटी ट्रेडेड 268,000 और ट्रेडेड वैल्यू करोड़ में तो 3.02 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस इस स्टॉक का अभी ट्रेडिंग के मामले में। जैसा कि जून 2024 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छा था, उसी के अनुसार से सितंबर 2024 का भी रिजल्ट को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट आएगी। ऐसे ये शेयर देख सकते हैं पिछले 8 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टरों को, जहाँ पर कि देख सकते हैं अक्टूबर महीना 2016 में इस शेयर का शेयर प्राइस 3 रुपये के लगभग में था, वहीं पे अभी 100+ चल रही है 112 के लगभग में, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और उम्मीद लगा सकते हैं
कि ये आगे भी चल करके अच्छा ही रिटर्न देगा इन्वेस्टरों को। बाकी एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।